नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राज न्यूज से आ रही जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर जोरों से चल रही तैयारियां, उनका जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी अलीगढ़ जाएंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास वो अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। योगी के साथ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का पीएम वहां पर शिलान्यास करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। लोधी क्षेत्र के मूसेपुर गांव में ये कार्यक्रम जो है उसे होना है। और आपको बताते चलें, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से ठीक पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्थितियों का, सुरक्षाओं का और कार्यक्रमों का, किस तरीके से आगामी कार्य किया जा रहा है उसका जायजा लेने के लिए आज दोपहर 12 बजे के आसपास पहुंच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में बदलाव देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, दौरे के दूसरे दिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। प्रियंका गांधी के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची थी उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा। 2 दिवसीय दौरा था उनका। कल आपको बताते चले रायबरेली पहुंची थी। भव्य स्वागत उनका जगह जगह पर किया गया था, लेकिन आज उनके कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। सड़क मार्ग से होते हुए लखनऊ के लिए रवाना, भूमेऊ गेस्ट हाउस में उनको जो है जनता दरबार जो था वो लगना था। कई गांवों का प्रियंका गांधी को भ्रमण भी करना था, लेकिन आज प्रियंका गांधी के सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। रद्द क्यों किया गया, वजह क्या थी, अभी तक इसकी साफ गोई सामने नहीं आ पाई है। लेकिन आपको बताते चलें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची थी, कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत लेना था। 2022 से सीधा इसे जोड़कर देखा जा रहा था और आज उनके सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। चलिए बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2022 चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। कमल क्लब के जरिए महिला वोटरों पर बीजेपी की पैनी नजर रहेगी। आपको बताते चलें 1918 मंडलों में गठित की जाएगी कार्यकारिणी और इसके साथ साथ लगभग 27,700 शक्ति केंद्रों पर महिला प्रभारी भी नियुक्त की जाएंगी। तो महिला वोट बैंक पर सीधा यहाँ पर आपको बताते चले कब्जा करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। टारगेट किया जा रहा है महिला प्रभारियों की भी की जाएंगी। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। आरएन न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं 2022 चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जहां एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जो कार्य किए उनका जायजा ले रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी उन्हें तारीफें भी, लंबे लंबे तारीफों में उन्हें अपने कार्यों का वर्णन भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो ये है कि नियुक्तियां की जाएंगी महिला प्रभारियों की। सड़क हादसा हो गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा में ये सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस बम्पर में घुस चुकी है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। सभी घायल यात्रियों को अस्पताल भेज दिया गया है। अस्पताल नौहझील थाना क्षेत्र के माइल स्टोन 65 की ये पूरी घटना है, जहाँ पर आपको बताते चलें हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आ रहे हैं न्यूज़ के जरिए आप सुन पा रहे हैं। सड़क हादसा हो गया है। हादसा इतना भयंकर था आपको बताते चलें, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास के बाद उद्घाटन करने वहां पहुंचे। इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से है। हालांकि इसकी पहचान चारों तरफ लटकते तारों के साथ और मुसीबतों से हो गई थी, जिसे इस पुनर्विकास में दुरुस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली का चांदनी चौक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है और जो भी दिल्ली आएगा
होगा, वह चांदनी चौक जरूर आएगा। आगे हमारी सरकार यहाँ पर स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की योजना पर काम करेगी। पुनर्विकास के बाद लोगों का खास आकर्षण इस जगह पर हुआ है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली बारिश के बाद जल जमाव को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में जल भराव की समस्या है, यह समस्या उन्हें विरासत में मिली है, इसे 2 वर्षों में दुरुस्त नहीं किया जा सकता और बहुत जल्द इसके लिए बहुत बड़ा ड्रेनेज प्लान भी तैयार किया जाएगा जिसमें पूरी दिल्ली के सीवर सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में वक्त भी लग सकता है। बताते चले कि बीते दिनों दिल्ली में तेज बारिश और जल निकासी न होने के कारण अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या नजर आ रही थी। कहीं सड़कें दरिया, कहीं घुटनों तक पानी में डूबे दिखाई दिए थे। उच्चतम न्यायालय इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के जरिए कुछ खास लोगों की हुई कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर सोमवार यानी कि आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 सितंबर को तब केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिया था जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ परेशानियों की वजह से वह दूसरा हलफनामा दाखिल करने के बारे में निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिल नहीं सके। केंद्र ने शीर्ष अदालत में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया था और कहा था कि पेगासस जासूसी आरोपों में स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाएं अनुमानों या अन्य अप्रमाणिक मीडिया रिपोर्टों या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित है। शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि वह नहीं चाहती कि सरकार ऐसा कुछ भी खुलासा करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो।